हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए बड़ी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी की तीन नई अपकमिंग मूवी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक एडम मूवी के बारे में। तो काफी टाइम से ब्लैक एडम मूवी का कोई अपडेट नहीं आया था और देन पॉसिबिलिटी इस मूवी की शूटिंग का भी कोई कंफर्म नहीं था, पर अपडेट काफी कमाल का आया है कि 2020 से ब्लैक एडम का काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी शूटिंग, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, एडिटिंग वगैरह सारे काम। जी हाँ, तो एवरीथिंग 2020 से रॉक अब ब्लैक एडम के कॉस्ट्यूम में नजर आने वाले हैं बिहाइंड द सीन फुटेज में। देन अगला अपडेट है सज़ैम की मूवी से। तो सज़ैम की जो अपकमिंग मूवी आ रही है उसमें सुपरमैन का एक कैमियो होगा। जी हाँ, तो वो कैमियो अब कौन सा हीरो करेगा ये कंफर्म नहीं हुआ है, पर सुपरमैन का कैमियो कंफर्म है इस मूवी में, क्योंकि सुपरमैन, ब्लैक एडम और सज़ैम ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और सज़ैम की एक ऑफिशियल मूवी बनी रही है। और देन उसके बाद ब्लैक एडम का तो मैंने आपको अपडेट दे दिया। देन अगला अपडेट है काफी कमाल का और यूनिक, और थोड़ा आप कंफ्यूज भी होने सकते हो। आपने एक्वामैन मूवी तो देखी होगी जिसमें कुछ अजीब से जीव थे जो कि हॉरर टाइप के थे, जिसका नाम था स्ट्रेंथ। तो ये कुछ अजीब टाइप के और भयानक जो जीव है इनके ऊपर ऑफिशियली डीसी में एक मूवी बन रही है, और देन ये मूवी काफी घुमा फिरा के होने वाली है। तो डीसी ने ऐसा फैसला क्यों करा मुझे तो ये समझ में नहीं आया, बट मेरे हिसाब से इन्हें मैन ऑफ स्टील 2 बनानी चाहिए ज्यादातर। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।